My birthday is on the 10th of April. My sun sign is Aries, of course. I like food. I dislike war. My favorite line, how sweet, I keep saying that. I admire my mother. Hi, मैं हूँ तराना, ये है Let's Talk. और आज Let's Talk में हमारी मुलाकात होगी एक ऐसी एक्ट्रेस से जिनकी फैमिली बिल्कुल भी फिल्मी नहीं है, ना ही उनका कोई फिल्मी कनेक्शन है. एक्सपोज बिल्कुल नहीं करती हैं और किसिंग सीन्स भी आई थिंक अब तक उन्होंने नहीं किए हैं और शायद फ्यूचर में भी नहीं करेंगी. लेकिन फिर भी हमारी इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स इनके साथ काम करना चाहते हैं एंड शायद काफी सारों ने तो काम कर भी लिया है. सो व्हाट इज इट अबाउट आयशा तकिया दैट मेक्स एवरीबॉडी वांट अ पीस ऑफ हर? आयशा, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन लेट्स टॉक. थैंक यू. एंड हैव टू आस्क यू, आपके बारे में पता नहीं क्या है, एवरीबॉडी सेज रियली नाइस थिंग्स अबाउट यू. रियली? यस. नसीरुद्दीन शाह हमारे शो पर थे एंड ही सेड आयशा बहुत ही टैलेंटेड लड़की है और अब तक किसी भी डायरेक्टर ने यू नो हैजंट रियली टैप्ड हर फुल पोटेंशियल. एंड अफसोस की बात है कि मेरी फिल्म में भी एक छोटा सा ही रोल था, बहुत छोटा था, बट यू नो शी वाज सो गुड एंड आई एम सो इम्प्रेस्ड. व्हाट इज इट अबाउट यू? आई डोंट नो, आई डोंट थिंक एवरीबॉडी वांट्स टू वर्क विद मी. आई थिंक अ फ्यू पीपल हु हैव वर्कड विद. कभी कभी ऐसे होता है कि जिनके साथ आप काम करते हो मेंटली आप सेम लेवल पे होते हो, हर किसी के साथ कनेक्शन हो जाता है. नहीं नहीं, देर आर फ्यू उनके साथ, शायद वो नहीं कहेंगे कि आई एम नॉट गेटिंग अलॉन्ग, बट ऑफकोर्स देर आई बीन वेरी लकी कि द पीपल आई वर्कड विद दे हैव द सेम सेंसिबिलिटीज एज आई. बट आपने लाइक हर किस्म के रोल अब तक किए हैं. देयर हैव बीन द ग्लैमरस वंस, देयर हैव बीन द रोल ऑफ अ विडो इन डोर. आई रियली लाइक यू इन डोर. थैंक यू. वेरी 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 गुड शी वाज. Is that your favorite? Yes, it is. And I believe Nagesh Kuknur आपके राखी ब्रदर बन गए. हाँ है राखी ब्रदर, लेकिन लोगों ने इतना बड़ा सीन बना दिया उसका कि it's you know ऐसी private चीजें अगर बहुत सारा आ जाए press में तो then people talk about it as a publicity thing, which is really sad. But we are like brother and sister. It's not like हमने secretly शादी कर ली or something. हाँ, भाई बनाया. It's like yeah, relax. So what made you decide कि अच्छा ठीक है मैं आपको भाई बना लेती हूँ? Do you have a brother? No, I don't. I have a younger sister. और Nagesh और मेरी friendship जो है बहुत अच्छी थी एंड ही ऑलवेज लुक्ड एट मी एज ओ कम ऑन योर लाइक माय किड सिस्टर एंड ऑल टेल मी योर स्टूपिड योर मैड लाइक यू नो ट्रीटेड मी लाइक दैट एंड वी हैड दैट इक्वेशन. तो बहुत अच्छा था जब उन्होंने कहा दैट यू नो ओ बाय द वे ऑन दिस रक्षाबंधन आई एम यू नो यू हैव टू टाई राखी टू मी एंड आई वाज लाइक ओ रियली. मुझे कभी चांस नहीं मिला किसी को राखी बांधना क्योंकि आई डोंट हैव अ ब्रदर. सो आई वाज वेरी एक्साइटेड एंड वी वेंट अहेड एंड डिड दैट. एंड डिड ही गिव यू अ प्रेजेंट? यस, सो दैट्स अ सीक्रेट. Oh, was it nice? इतना बता दो. Yeah, very sweet. Tell me about your new film. Yes. Unfortunately, अभी तक हमने नहीं देखी है, but it looks really interesting. Yes. And I really, really like Tushar Kapoor. How? He's sweet. A damn cute. He person. Is a very sweet boy. He's a lovely boy. तो किस किस्म की फिल्म है? Of course, क्या love story title है? हाँ, what is क्या love story? It's like वाह क्या love story. I think the वाह or the exclamation, one of those are missing. It's of course love story है और love triangle है क्योंकि तीन लोग हैं. तीसरे कौन है? करण जो एक नया लड़का है. ah. उनका इंट्रोडक्शन हो रहा है इस फिल्म में. और ऑब्वियसली व्हेन देयर इज अ लव ट्रायंगल देयर आर ट्विस्ट्स एंड टर्न्स और देयर आर मोमेंट्स जहाँ सब खुश है, देयर आर मोमेंट्स जहाँ यू नो एवरीबॉडी इज सैड एंड सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग. बट आई थिंक एसेंशियली टू मी एट एवरी यू नो एवरी लव स्टोरी एट सम लेवल इज द सेम. आई बिलीव तुषार का जो कैरेक्टर है इस फिल्म में इज वेरी शाय एंड पता नहीं एंड तक बताता नहीं है ना दैट आई लव यू और समथिंग लाइक दैट. आई थिंक कभी कभी ऐसे हो जाता है यू नो यू मीट समवन जो जिनको आप ऐसे ही देखते हो कि वो यू नो मेरा फ्रेंड है एंड आई कांट सी हिम लाइक समवन आई लव और आई लाइक आई एम अट्रैक्टेड टू. लेकिन ही लुक्स एट यू डिफरेंटली एंड यू नो ही डजंट नो हाउ टू से इट क्योंकि शायद फ्रेंडशिप भी खराब हो जाएगी और क्या होगा. आई थिंक लॉट ऑफ पीपल गो थ्रू दिस. तो ऐसे होता है हमारे साथ और फिर जब तुषार बताता है मुझे क्या होता है ऑफकोर्स यू हैव टू सी. हाँ ऑफ कोर्स. आई वाज गोना आस्क एंडिंग क्या है. एज इफ आई कैन या या लाइक व्हिच बॉय जस्ट इतना बता दो. नहीं क्योंकि लव ट्रायंगल है वो. फाइन फाइन हम लोग फिल्म देखेंगे फॉर श्योर. नो नाउ व्हाट यू हैव लाइक लोड्स ऑफ फिल्म्स अप फॉर रिलीज इन 2007. एक आई थिंक दिस फुल एंड फाइनल फिर हे बेबी इन 19 डिफरेंट along with 19 other heroines aapne bhi dance kiya. No, I'm not done. I don't know why everyone says that. Ask, no, I'm not in Hey Baby. Oh. Yeah. Okay, so there's a Fool and Final. Yeah, there Phir is Fool and Final. Shahid Kapoor ke saath. Yes, that's it. I think you look nice with him. Yeah, a lot of people think that. I think I think yeah, we have same age ke lagte hai and you know we almost look alike. It's quite funny when I was looking at the song. I was like, oh God, we look like brother and sister. Each other. but it looks sweet and then there's of course Fool and Final. Then there's Deh Taali, jo bahut sweet film hai. That's me, Ritesh, Aftab, Rimi. It's a story about friendship. You know, it's like the TV show Friends, where it's just about friends. Bahut time se humne dekha nahi hai ek Hindi film jo sirf doston ki kahani hai. इसमें आपको you have to do your own stunts or skydiving की. हाँ लेकिन obviously मैंने मना कर दिया. I'm not about to do skydiving. I'm very frightened of heights. Yes, I'm very scared of heights. So reverse bungee भी था ना?
रिवर्स बंजी इज द ओनली थिंग दे कन्विंस्ड मी। एक्चुअली मैंने बंजी जंपिंग के बारे में तो सुना है, बट व्हाट इज रिवर्स बंजी? रिवर्स बंजी एक यू नो इट्स लाइक अ बिग फैट राउंड थिंग, इट्स लाइक अ स्विंग, यू गो सिट इन इट, बेल्ट योरसेल्फ और एंड इट हैज टू रबर बैंड्स, ह्यूज रबर बैंड्स, एंड सडनली दे लेट इट गो एंड इट फ्लाइज इन द एयर एंड देन इट गोज राउंड राउंड एंड आई वाज लाइक आर यू मैड, आई एम नॉट गोना डू दिस। और रितेश और आफ्ताब ने कहा नो डोंट बी सिली, वंस यू डू इट यू वांट टू डू इट अगेन, आई सेड नो 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 एंड दे कन्विंस्ड मी और 3 घंटे बाद मैं बैठी एंड दैट वाज द वर्स्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ, आई रिग्रेट इट एंड आई वुड नेवर डू इट अगेन। अच्छा तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि ओ माय गॉड मुझे वापस करना? नहीं बिल्कुल नहीं, लाइफ में नहीं करती। इतने सारे मतलब स्टंट्स वगैरह क्यों हो रहे हैं फिल्म में? क्योंकि वी आर जस्ट अ बंच ऑफ फ्रेंड्स हु यू नो अम्यूजमेंट पार्क, या वी डू अ लॉट ऑफ, देयर इज अ सॉन्ग कॉल्ड दे ताली, द फिल्म इज कॉल्ड दे ताली, सो द सॉन्ग इज कॉल्ड दैट इन every crazy thing that we do in our free time and we go out and we have fun and whatever we do is in that song, so this is obviously part of that. Reverse bungee, I think kabhi na kabhi yeah. to hume ye try karna hi padega. Ha, don't get dissuaded by her. Yeah, so yeah, fattu basically, very fattu, extremely fattu. So heights se dar lagta hai aur kis cheez se dar lagta hai? Heights I think is my main fear, but water also because we had jet skiing and we had to go in the middle of the sea and I was, that was another thing. Aur trainer ke saath nahi, matlab akele? Nahi akele, aur phir main बहुत डर गई थी बिकॉज आई वॉज लाइक आई कांट एंड आई ऑलवेज हैव दिस फियर इट्स इन द मिडल ऑफ द ओशन। फिर आई वेंट ऑन द विद आफ्ताब ऑन वन जेट स्की, आई सेड मैं लड़कों के साथ जाऊंगी बिकॉज दे यू नो प्रॉब्ली दे विल बी एबल टू मैनेज इट बेटर, और फिर मुझे गिरा दिया उसने एंड देन ही वाज अपोलोजाइजिंग फॉर 2 डेज पुअर फेलो, बट आई डिडंट फॉरगिव हिम, आई स्टिल मतलब गलती से गिरा के जाना नहीं, गलती से वो इतना डर गया बिकॉज एवरी 2 मिनट्स आई वॉज लाइक आफ्ताब बी केयरफुल, आफ्ताब बी केयरफुल, एंड देन रितेश आई सेड आई एम नॉट कमिंग विद यू, आई वेंट विद रितेश आफ्टर दैट एंड इट वाज क्वाइट फनी। Your life is fun, na? जब एक्टर्स और एक्ट्रेसेस कहते हैं हमारी लाइफ बहुत मुश्किल है क्योंकि यू नो एक्टिंग इज बट रबिश, नॉट मुश्किल, इट्स क्वाइट फन, इट्स गुड फन, आई मीन यू गेट टू डू ऑल ऑफ दिस, या व्हाट फन एंड और कौन सी फिल्म है? देन देयर इज नो स्मोकिंग, अनुराग कश्यप की फिल्म है, दैट्स विद जॉन एंड आई, एक बहुत ही वैकी क्रेजी सब्जेक्ट है, इट्स मोस्टली जॉन्स फिल्म बट इट्स एक्साइटिंग फॉर मी क्योंकि पहली बार मैं डबल रोल निभा रही हूँ जहाँ आई प्ले हिज वाइफ एंड हिज सेक्रेटरी, सो इट्स वाइफ एंड सेक्रेटरी, यस इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। यूजुअली डबल रोल्स आर लाइक माँ और बेटी दोनों, या और दो बहनें, या दो मेले में घूम गए, they're not met, but you know it's very interesting because for the first time in the secretary's role, मेरा नाम एनी है और बहुत ही बिम्बेट डिट्सी लड़की है जो you know who wears bright red lipstick and green lenses and you know who wears a tight black outfit and who is in love with the boss and sleeps with the boss and she's crazy, और wife एक बहुत ही you know real wife who got married, नहीं she's like chilled out but she's fed up with her husband because he smokes all the time, so it's quite insane. Of course filmon ki baatein jari rahengi and of course personal life ki bhi thodi discussion hogi kyunki you're the honest kind, agar pyar hai to pyar hai hum bata dete hain and all of that, so don't miss a second of let's talk, unfortunately bhi chote se break ka time aa gaya hai, so take the break and come right back.